हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में आपकी 11.2 को स्टडी करेंगे, जिसमें भी एट द फॉलोविंग्स हैं। तो इसमें कुछ डिफरेंट तरह के एट द फॉलोविंग्स हैं, उसे हम आज स्टडी करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो हम कैसे स्टडी करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं आपकी। क्वेश्चन है एट द फॉलोविंग्स। फर्स्ट क्वेश्चन है 6 + 4/5। तो स्टूडेंट देखो, 6 के जब किसी के नीचे कोई डिनोमिनेटर ना हो तो उसके नीचे 1 मान लेते हैं। जब 1 मान लिए, 1 और 5 का जो एलसीएम आएगा, एलसीएम ऑफ 1 एंड 5 वो आएगा 5। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया 5। ठीक है, अब 1 से 5 को डिवाइड किया 5 टाइम्स, और 5 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने 6 में। तो 5 × 6 + 1 × 4, क्योंकि 5 से 1 टाइम जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 4 में। तो 6 × 5 = 30 + 4/5, तो कितना आ गया 34/5। सेकेंड क्वेश्चन, 5 + 5/9 + 15। तो हमने इसके नीचे 1 मान लिया, एलसीएम कितना आ गया 1 एंड 9 का 9। तो देखो 9 एलसीएम आया हमारा। ठीक है, तो 9 से डिवाइड किया 1 टाइम, 1 को मल्टीप्लाई 5 में, 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 से 9 टाइम का मल्टीप्लाई 15। ठीक है, तो कितना आ गया 5 + 15 9 जा कितने होते हैं स्टूडेंट्स बताओ। 135 / कितना आ गया 9। तो कितना हो गया ये 140/9। इस तरह स्टूडेंट्स होंगे सारे क्वेश्चन। एक और देखो, इसका थर्ड वाला क्या कह रहा है, 3/11 + 7। यही है क्वेश्चन, यही है। तो 7/1 हो जाएगा, तो एलसीएम क्या आ गया इसका 11 एंड 1 का 1 एंड 11 कितना आ गया 11। तो देखो 11 से डिवाइड किया 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई हमने 3 में कर दिया, 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 से 11 टाइम, 11 को मल्टीप्लाई 7 में, कितना आ गया 3 + 77/11। तो कितना आ गया ये 80/11 आ रहा है स्टूडेंट समझ में। एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ आपको करके, फिर आपको करनी है खुद। हाँ, थर्ड वा फोर्थ वाला देखो, 7/12 + 5 + 8/9। ठीक है, 5 के नीचे 1 मान लिया। अब देखो 12 और 9 2 आ रहे हैं, अब इसके पहले एलसीएम निकालेंगे 12 और 9 का। ठीक है, 12 और 9 का एलसीएम देखते हैं क्या आता है। 12 1 9, ठीक है, 1 का तो 1 रहेगा, 2 से काटा 6 टाइम, 1 9 का 9, 2 से 3 टाइम्स, 1 9, 3 से 1 1 3, 3 से 1 1 1। जब तक 1 1 1 नहीं आता तब तक हम इसे करते रहते हैं। तो देखो कितना आ गया, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। तो एलसीएम कितना आ गया 36। ठीक है, तब यहाँ पे लिखेंगे 36, तो 12 से 36 को डिवाइड करेंगे कितने आ जाएगा 3 टाइम्स, 3 का मल्टीप्लाई 7 में, प्लस 36 × 5 प्लस 9 से कितनी बार जाएगा 4 × 4 का मल्टीप्लाई 8 में। इस तरह से होगा, अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं। तो स्टूडेंट देखो, 7 3 जा 21 और 36 × 5 180 एंड 4 × 32, फिर इन तीनों मिला के कितना हो गया 233/36। इस तरह से सारे हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको बचे हुए चारों क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, 4 मैंने करा दिए। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।